हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस में आप लोगों को मैं बताया था कि यूनिट 5 में एक टॉपिक है RC, RL एंड LC नेटवर्क की कुछ इमिटेंस प्रॉपर्टी हैं। क्या प्रॉपर्टी हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। जैसे फार आपके पास एक RC नेटवर्क है, तो देखिए यहाँ पे एक R और यहाँ C, सीरीज में RC नेटवर्क इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लियर। सिमिलरली हम RC का पैरेलल की प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर हमारा R एंड C नेटवर्क पैरेलल में ये एलिमेंट कनेक्टेड है, तो इनका क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या चेंज होगा इनमें, वो सब डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये सीरीज RC एंड पैरेलल RC, ठीक है। तो आइए इसका सिंपल इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमिटेंस फंक्शन ZS इक्वल टू आ जाएगा, ZS आ जाएगा R प्लस 1/SC। क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए, तो ZS इक्वल टू आ जाएगा RCS प्लस ये हो जाएगा 1/SC। क्लियर। तो इस फंक्शन में इसको हमने कह दिया NS, NS मतलब न्यूमरेटर इन लाप्लास डोमेन एंड ये डिनोमिनेटर इन लाप्लास डोमेन, तो इसको पोल जीरो के टर्म में प्लॉट किया जा सकता है। क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिए कि पहली प्रॉपर्टी, हम जेड अगर S इक्वल टू जीरो पुट कर दें, S इक्वल टू आप जीरो पुट करिए, तो ये जीरो प्लस क्या हो जाएगा 1/ ये जीरो, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर। अगर जेड इक्वल टू हम इनफाइनाइट पुट करते हैं, तो ये देखिए S इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो यहां से S कॉमन ले लीजिए और यहां से S कॉमन ले लीजिए, तो S ये कैंसिल हो जाएगा 1/ में, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर आपके पास ये देखिए यहां से S कॉमन ले लीजिए, तो ये बताइए क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। कैसे, आप देखिए यहां से S कॉमन लीजिए, तो S 1/S में चला जाएगा, X इनफाइनाइट रखोगे तो ये पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इनफाइनाइट पे वैल्यू आर आ जाएगी, या फाइनाइट वैल्यू इसको कह दीजिए, जनरल फाइनाइट वैल्यू को ही आएगी। ठीक है, जेड जीरो पे। तो इसलिए आप एक चीज देखिए, यहाँ से जेड जीरो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, जेड इनफाइनाइट। ये एक प्रॉपर्टी आपका है RC सीरीज नेटवर्क की। ठीक है, RC सीरीज नेटवर्क की एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जेड जीरो इक्वल टू जेड इनफाइनाइट। फिर इसके बाद आइए ध्यान दीजिए इसमें दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम इसका पोल जीरो प्लॉट करें, पोल जीरो के जैसा मैं बताया हूं कि जो डिनोमिनेटर है उसको पोल से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूमरेटर के रूट्स को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर है तो S इक्वल टू जीरो आएगा। तो S इक्वल टू जीरो जो पोल है उसको क्रॉस से बनाते हैं, जो आपका जीरोज है उसको जीरो से बनाते हैं, तो S इक्वल टू आएगा -1/RC, तो ये आएगा देखिए -1/RC, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और वो करूं, S इक्वल टू अगर मैं जे ओमेगा पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा जेड जे ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा RC जे ओमेगा, और ये हो जाएगा +1/ ये हो जाएगा जे ओमेगा सी। तो अगर मैं इसका मॉड लूं, मॉड जे ओमेगा का अगर मैं मॉड ले लूं, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा रूट में, ये आ जाएगा 1+, और ये कितना हो जाएगा आपका R²C²ω² और ये डिवाइड बाई, ये देखिए डिवाइड बाई, इसका रूट लोगे तो मॉड में ये क्या आ जाएगा ओमेगा सी आ जाएगा। क्लियर।
तो ये आपका आएगा आरसी सीरीज नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें ओमेगा इक्वल टू आप जीरो पुट कर लीजिए, ओमेगा जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आप इनफाइनाइट पुट करने के तो ये इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भाई इनफाइनाइट हो गया, तो हमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, आर एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई आरसी सीरीज नेटवर्क की। ये आर है, ये आर है एंड ये सी। अगर मैं इसी के पैरेलल आर नेटवर्क की बात किया, आरसी अगर मैं पैरेलल ले लूं, ठीक है, इसके इनपुट इम्पीडेंस निकालो, या इसी को इमिटांस फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमिटांस फंक्शन, तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा जेडस निकालिए तो यहां से जेडस आ जाएगा, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा आर डिवाइड बाई वन अपान एस सी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर प्लस वन अपान एस सी। क्लियर, तो यहां से आप देखिए ये जो जेडस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जेडस यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेडस इक्वल टू ये हो जाएगा एससी से एससी कैंसिल आउट, यहां से आर बचेगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा आर सी एस प्लस क्या हो जाएगा वन, ठीक है, आर सी एस प्लस वन। अगर मैं केस वन में ले लूं जेड इक्वल टू, अगर मैं एस इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो जो जेड जीरो आ जाएगा वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जीरो, एस की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद आर आ जाएगा, एस इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करने के बाद जेड इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये देख रहे हैं ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है और ये इनफाइनाइट, ये जीरो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इनफाइनाइट पे ये जीरो हो जाएगी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये बन गई आरसी पैरेलल नेटवर्क की, जो जेड जीरो है हमारा है वो ग्रेटर देन जेड क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्लियर, एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। फिर इसके बाद है एक दूसरा, अगर मैं इसका पोल जीरो प्लाट करूं, पोल जीरो प्लाट करेंगे आप, ये देखिए पोल जीरो एस प्लेन में प्लाट करते हैं, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये हो गया रियल एक्सिस, ये पूरा प्लेन एस में है, तो यहां से देखिए न्यूमरेटर केवल एक पोल आ रहा है, ठीक है, एक पोल आ रहा है, वो पोल कितने पे आ रहा है, ये देखिए हमने क्रॉस बनाया माइनस वन अपॉन क्या आ रहा है आर सी, एक पोल आ रहा है, इसी को टाइम कांस्टेंट भी इसका आगे बताते हैं कि यही टाइम कांस्टेंट होगा टी इक्वल टू वन अपॉन आर सी, ठीक है। तो ये आपने दोनों नेटवर्क आर सी सीरीज एंड आर सी पैरेलल नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ये दो नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद मैं चलता हूँ आरएल नेटवर्क पे। अब देखिए मैं यहाँ पे आरएल नेटवर्क ले लिया, यहाँ पे सेकंड मैंने नेटवर्क ले लिया आरएल नेटवर्क, और यहाँ पे भी आर सी की जगह पे मैंने एल ले लिया, आरएल नेटवर्क ले लिया। ये देखिए ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए। अब आइए इसके लिए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसमें क्या चेंज होगा वो देखते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आरएल नेटवर्क ले लूं तो इसका अगर इमिटांस फंक्शन जेडस निकालूं तो ये जेडस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर प्लस ये हो जाएगा एसएल, ठीक है। अगर मैं यह जेड जीरो पुट, एस इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो ये आ जाएगा आर, और मैं अगर इनफाइनाइट पुट कर दूं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर, तो एक तो कंडीशन यही है सिंपल कि स्टार बना के ये लिख सकते हो कि जो जेड इनफाइनाइट है कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जेड जीरो होना चाहिए। क्लियर, फिर इसके बाद आप इसका पोल जीरो प्लाट करिए, पोल जीरो प्लाट करेंगे तो सिंपल एक क्या आ रहा है, एक जीरो जा रहा है, एक जीरो जा रहा है, ये यहाँ पे जीरो जा रहा है, माइनस वन अपॉन आर बाई एल आ रहा है। क्लियर, तो ये आपका इसका पोल जीरो प्लाट हो गया सिंपल आर एल नेटवर्क, ठीक है। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी में लिखें जेड, अगर जेड ओमेगा में कर दूं ये हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए जे ओमेगा मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो रूट में आ जाएगा आपका
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एन क्या आएगा एल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड अगर हम पैरेलल इसकी बात करें, पैरेलल आरएल नेटवर्क की, पैरेलल आरएल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये पैरेलल आरएल नेटवर्क है तो यहां से जेडस आ जाएगा, जेडस की वैल्यू क्या होगा दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा ए आर इंटू एस एल और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एस एल आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका ये न्यूमरेटर एन एस बन गया, मतलब आपका ये जीरोज हो जाएंगे और इसके रूट्स हो जाएंगे पोल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो अगर मैं यस इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, जीरो पुट कर दूंगा तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, नहीं जीरो जीरो बाई ये जीरो हो गया, ये आपका फाइनाइट वैल्यू तो टोटल ये जीरो हो ही हो गया, क्लियर। अगर मैं ये इनफाइनाइट ले लूं, इनफाइनाइट ले लूंगा तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है तो यस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो यस कैंसिल आउट ये हो जाएगा जीरो, ये देखिए ये यस कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आर एल डिवाइड बाई ये यस कैंसिल है हो जाएगा और ये आ जाएगा एल, एल सी एल कैंसिल आउट क्या आ जाएगा आर। तो आप देख रहे हैं पहली इसकी कंडीशन आ रही है कि ये जेड इनफाइनाइट, जेड इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन जेड क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है। आर एल पैरेलल नेटवर्क की अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट करूं, पोल जीरो मैं बताया पोल जीरो एक रूट्स है, एक डिनोमिनेटर के इक्वेशन का रूट्स है और एक न्यूमरेटर का इक्वेशन के रूट्स है। तो ये आ जाएगा देखिए जो डिनोमिनेटर है तो यस इक्वल टू यहाँ पे एक पोल आएगा माइनस आर बाई एल आएगा, क्लियर। और यहाँ पे एक जीरो जा रहा है, ये देखिए बबल मैंने एक जीरो बना दिया, तो ये आपका यहाँ पे केवल ओनली एक जीरोज एग्जिस्ट कर रहा है सीरीज में, पैरेलल में एक पोल एंड एक जीरोज एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों की करेक्टरिस्टिक में ये चेंज है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा से और मॉडिफाई करके लिखूं तो जैसा कि ये मैं बताया हूँ यहाँ पे अगर मैं जेड मार जे ओमेगा लिख दूं तो ये बताइए यहाँ पे हो जाएगा आपका आर इंटू एल ओमेगा और डिवाइड बाई ये रूट में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। तो यहां से भी आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका वेरिएशन देख सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इन सबों की कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आर एल सी। तो अब हम एल सी नेटवर्क की बात करते हैं। तो अगर हम एल ये देखिए एक एल ले लिया यहाँ पे एल सी नेटवर्क की, एल सी नेटवर्क के इमिटेंस फंक्शन या इनपुट इम्पीडेंस हम कैलकुलेट करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इसमें चेंज हो रहा है। तो ये हमने सीरीज में ले लिया एल सी और यहाँ पे देखिए इसमें पैरेलल में ले लिया, ठीक है, ये हमने पैरेलल में यहां पे इसको कनेक्ट कर लिया तो ये आपका एल हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा से देखते हैं। तो अगर मैं इसका इमिटेंस फंक्शन या इनपुट इम्पीडेंस निकालूं जेड एस तो क्या आएगा, ये आएगा एस एल प्लस वन अपॉन एस सी आएगा। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर एल सी प्लस वन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एस सी हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका इम्पीडेंस फंक्शन इसका निकल गया सीरीज एल सी नेटवर्क का। अगर मैं एस इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो ये जीरो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्लियर, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो मैं यहां से अगर एस स्क्वायर कॉमन लू, अगर मैं एस स्क्वायर यहां से कॉमन ले लू, ध्यान दीजिए एस स्क्वायर यहां से कॉमन लूंगा तो यस आ जाएगा तब भी ये इनफाइनाइट ही रहेगा, क्लियर। ये देखिए ध्यान दीजिए तो इसमें आपका जो इनपुट इम्पीडेंस है जेड जीरो पे फ्रीक्वेंसी पे और एस इक्वल टू इनफाइनाइट पे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पे दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं इसका प्लॉट करूं तो ये देखिए आप यहाँ से आप पुट करके देख सकते हैं s इक्वल टू कॉमन ले लीजिए, s कॉमन लेंगे तो यहाँ से s बाहर आएगा एक और यहाँ पे वन अपन s है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन इस s की वजह से इनफाइनाइट ही रहेगा। तो यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक आएगी जेड जीरो एंड जेड इनफाइनाइट दोनों इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट करूँ, पोल जीरो प्लॉट करूँ तो ये आपका मैंने रियल एक्सिस ले लिया और ये ले लिया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये देखिए एक तो आपका पोल दिख रहा है जीरो पे, इसके रूट्स निकाल लो तो यस स्क्वायर एल सी प्लस वन इक्वल टू जीरो कर लीजिए तो यहाँ से यस स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस वन अपॉन एल सी आएगा, क्लियर। फिर इसके रूट्स में निकालू तो ये आ जाएगा यस इक्वल टू प्लस माइनस जे वन अपॉन एल सी आएगा, क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा इसके दो और ओ जीरोज बन रहे हैं, यहाँ एक जीरोज है एक जीरोज यहाँ, तो ये प्लस में आ जाएगा आपका, ये प्लस में आ रहा है जे वन अपान एल सी रूट में एल सी ना, हाँ रूट में यहाँ पे सॉरी रूट लगा दीजिए रूट में एल सी, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे रूट में वन अपान एल सी, ठीक है। तो इसके देखिए ये दो जीरोज हैं और एक जीरो पे एक पोल आ रहा है और सेम लोकेशन पे आपके दो नहीं जीरो पे जीरो पोजीशन पे एक पोल आ रहा है और सेम लोकेशन पे दो जीरो जा रहे हैं प्लस जे वन अपन एल सी और माइनस जे वन अपन एल सी, क्लियर। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई आप लोग ये देखिए। अब देखिए हम अगर पैरेलल एल सी नेटवर्क की बात करें तो इसकी करेक्टरिस्टिक में क्या चेंज होता है, ये कभी कभी दो नंबर में आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है। तो अगर मैं इसके जेडस की बात करूं तो जेडस देखिए क्या होगा इसका, आप बताइए जेडस इसका क्या होगा, इसका जेडस होगा ये होगा दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा एस एन मल्टीप्लाई वन अपान एस सी, क्लियर। डिवाइड बाई ये हो जाएगा एस एन प्लस वन अपान एस सी, क्लियर। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो जेड एस इक्वल टू एस सी से एस सी कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा एस एल डिवाइड बाई एस स्क्वायर एल सी एंड प्लस क्या हो जाएगा वन, क्लियर ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप अगर मैं जेड जीरो की बात करूं, जेड जीरो की बात करूं तो ये जीरो ही आ जाएगा और जेड अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं तब भी जीरो आएगा, कैसे आएगा देखो यस कॉमन यहाँ से ले लीजिए यस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मुझे हटाना चाह रहा था तो यस कॉमन लूंगा तो यहाँ यस रहेगा ही कैंसिल नहीं होगा तो इनफाइनाइट रखूंगा तब भी ये जीरो आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इन समूह की वैल्यू ये इनफाइनाइट के ही इक्वल आ रही थी, यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक में एक चीज चेंज हो रहा है क्या, जेड जीरो एंड जेड इनफाइनाइट दोनों पे इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट करूं क्या करूं, पोल जीरो प्लॉट, पोल जीरो प्लॉट आप लोगों को बताया हूं कि एक आपका ये रियल एक्सिस मैंने ले लिया और ये इमेजिनरी एक्सिस ले लिया जे ओमेगा, ठीक है ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ले लिया। तो आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना है कि ये देखिए इसका एक तो ये आपका यहाँ पे ये आपका जीरो जा रहा है और यहाँ पे इस पोजीशन पे दो पोल आएंगे, वो पोल की वैल्यू आएगी माइन प्लस जे वन अपान रूट में एल सी सेम देखिए और यहाँ पे आएगा माइनस जे वन अपान रूट में एल सी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ पे जी जहाँ पे ये जीरोज था और यहाँ पे क्या हो गया पोल, पोल जीरोज में कन्वर्ट हो गया, जीरोज पोल में कन्वर्ट हो गया तो ये लोकेशन आ गई आपकी पैरेलल एलसी नेटवर्क की। तो ये करेक्टरिस्टिक है आप फॉलो करिएगा, ठीक है। अब आइए इसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कोई भी इमिटांस फंक्शन हो ट्रांसफर फंक्शन हो, ट्रांसफर फंक्शन में जनरल हमने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांसफर फंक्शन है ठीक है जैसे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन टीएफ मैं लिख रहा हूं ये टीएफ कुछ भी हो सकता है ये ध्यान से समझिएगा ट्रांसफर फंक्शन टीएफ और यस डोमेन में तो इसके दो पार्ट होंगे न्यूमरेटर बाय क्या हो सकता है और डिनोमिनेटर होगा क्लियर न्यूमरेटर का लाप्लास बाय डिनोमिनेटर के लाप्लास तो इस तरह से कुछ रूट्स आएंगे मैं ऐसे बता रहा हूं यस प्लस ए मान लो
और ये एस माइनस बी मान लो, इस तरह से रूट्स है। फिर इसके बाद यहाँ पे एस मान लो और एस प्लस आपका सी मान लीजिए और एस माइनस बी मान लीजिए और एस प्लस आपका मान लीजिए कुछ भी ई, ये इस तरह का कोई फंक्शन, या इसको ऑलरेडी एस स्क्वायर में इस तरह से भी रख सकता है। तो मैंने बताया कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का ये ध्यान समझिएगा, न्यूमरेटर का जो इक्वेशन इक्वल टू जीरो करोगे तो यहां से जो इसके रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे इनको कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरो, इनको कहते हैं जीरोज, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? बबल से। इसी तरह हमारा जो डीएस है, डिनोमिनेटर का जो इक्वेशन आ रहा है इसका जीरो करोगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं पोल को। किसके रिप्रेजेंट करते हैं? पोल्स को, ठीक है, पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस। तो जैसा कि ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है, जेड एस हो सकता है, एफ एस हो सकता है, बी टू बाई बी वन हो सकता है, आई टू बाई आई वन हो सकता है, कुछ भी, पोल जीरो प्लॉट करना है तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के जितने रूट्स हैं वो जीरो से रिप्रेजेंट होंगे एंड जो आपका डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो पोल से रिप्रेजेंट होंगे, न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं वो जीरो से रिप्रेजेंट होंगे। तो ये देखिए, आप एक प्लेन लेंगे इस तरह से, प्लेन में आपके पास ये देखिए एस प्लेन इसको बोलते हैं, ये सिग्मा और ये आपका आपका जे ओमेगा, और इस पूरे प्लेन को बोलते हैं एस प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस प्लेन, ठीक है। एस क्या होता है? हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये आप लोग इससे फैमिलियर है, ठीक है। एस हमारी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ऑलरेडी हम जो प्रीवियस बताए थे उसमें आपको डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो यस इक्वल टू मैं माइनस ए, एक प्लेन है, यस इक्वल टू माइनस ए, देखिए आ रहा है माइनस ए रूट्स आ रहा है तो ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। तो अच्छा, इसमें ए बी सी की वैल्यू मैं जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है उसी को मैं हार ले रहा हूँ, मतलब ए ज्यादा है या बी नहीं है, ए ए से बी बड़ा है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ले लो, मान लीजिए इसको वैल्यू ही ले लो, ये टू ले लो, ये आपका थ्री ले लो, ये मान लीजिए आपका फोर ले लो, ये आपका ले लो फाइव ले लो, और ये ले लो आपका सिक्स ले लो, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। तो ये देखिए, इसके रूट्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एस इक्वल टू माइनस टू आएगा, माइनस टू मान लीजिए ये आ रहा है माइनस टू, ये माइनस टू ये है तो यहाँ पे मैं एक जीरो बना दिया, ये माइनस टू, ठीक है। फिर थ्री आ रहा है, थ्री आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पे एक जीरो बना दिया थ्री पे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एस इक्वल टू जीरो पे एक पोल है तो ये मैंने क्रॉस बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एस इक्वल टू माइनस फोर, एस इक्वल टू माइनस फोर, एस इक्वल टू माइनस फोर है तो ये देखिए माइनस फोर यहाँ पे आएगा, माइनस फोर आपका यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया माइनस फोर, एक पोल ये हो गया। एस इक्वल टू फाइव आ गया, फाइव आ गया तो यहाँ पे मैंने देखिए एक क्रॉस बना दिया, ये फाइव आ गया, ठीक है। एस इक्वल टू माइनस सिक्स आ गया तो माइनस सिक्स कहीं यहाँ मिलेगा तो ये देखिए हमने माइनस सिक्स बना दिया, क्लियर। तो ये आपका पोल जीरो प्लॉट हो गया। अगर इसी में अगर ऐसे भी रहता, ये देखिए एक और मैं इसमें ऐड करता हूं, एस स्क्वायर प्लस फोर कर दिया, ठीक है, इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर लिखेंगे तो एस इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस प्लस आपका क्या आएगा 2j, क्या आएगा 2j। तो देखिए दो पोल हैं और ये 2j, ये मान लीजिए एक है यहाँ पे रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये आपका प्लस 2j है, ठीक है, और ये माइनस 2j, सॉरी ये माइनस 2j। तो इस तरह से पोल जीरो प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं आप समझ में आया। अगर मैं इसको और थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता, एक रूट से ही हो जाता, यस प्लस टू, क्या लिख सकता था, यस प्लस टू और माइनस थ्री, इस तरह का आ जाता है,
ये देखिए इसके एक और रूट्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ केवल एक बताने के लिए, यस प्लस टू माइनस जे थ्री और टू नहीं इसको फाइव ले लीजिए, ये फोर ले लीजिए, फोर नहीं थ्री, ठीक है, और ये लिख दीजिए यस प्लस थ्री और प्लस जे थ्री ये ले लीजिए, ऐसे इसको भी प्लॉट करना है इसी में। मैं देखिए चेंज करते जाता हूं जितनी पॉसिबिलिटी है, तो देखिए यस इक्वल टू ये है, ये वाले को प्लॉट करना है, तो यस इक्वल टू ये मान लीजिए थ्री है और ये हो गया माइनस जे थ्री इक्वल टू, ये देखिए एक है इक्वल टू जीरो करिए तो यहां से यस इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस थ्री प्लस कितना आ जाएगा जे थ्री आ जाएगा ये आ जाएगा। तो माइनस थ्री क्या है, ये रियल एक्सिस है तो माइनस थ्री इस पे चलिए, माइनस थ्री यहां पे आएगा, ये देखिए यहां पे आएगा माइनस थ्री, ये देखिए माइनस थ्री आपको रियल एक्सिस पे चलना है और थ्री इमेजिनरी एक्सिस पे, ये देखिए ये थ्री यहां पे गया तो ये देखिए इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ये जो रूट्स है आपका, ये जो रूट्स है ये देखिए, ये पोल जो है ये आपका अभी मैंने बताया ये पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, ये जे थ्री है, क्लियर, ये प्लस जे थ्री है ये माइनस थ्री है, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये इस तरह से लिखोगे, क्लियर। इसी तरह सेम इसकी देखो रिप्लिका बनेगी यहाँ पे, ये देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका कंजुगेट तो एग्जिस्ट करेंगे ही, ठीक है, अगर इमेजिनरी वैल्यू है तो इसके दो कंजुगेट तो एग्जिस्ट करेंगे और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस जे थ्री। तो इस तरह से पोल जीरो प्लॉट का, अब पोल जीरो प्लॉट का लोकेशन इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। चलो एक और हम इसमें कर देते हैं, अगर मैं कह दूं यस यस प्लस वन माइनस माइनस वन जे, क्या कर दिया वन जे एक कर दिया, यस प्लस वन माइनस प्लस वन जे ये आ गया। चलिए इसको प्लॉट करना है, ये देखिए इसको ऐसे लिखेंगे यस प्लस वन माइनस जे इक्वल टू जीरो, तो इसको पहले इक्वल टू यस इक्वल टू क्या लिख दोगे माइनस वन, यहाँ पे माइनस नहीं माइनस ही लगा लीजिए क्योंकि मुझे इधर ये जगह नहीं है, इसलिए आप वो भी प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सोचिएगा कि वो नहीं प्लॉट कर सकते, केवल स्पेस की वजह से हम कर रहे हैं। तो ये आपका यस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा जे वन, जे वन में भी ये प्लस में हो जाएगा। तो यस इक्वल टू वन पे वन यूनिट आप इधर चलिए, वन यूनिट इधर चले तो ये पोजिशन आ गई, ये मान लीजिए आपका वन है माइनस प्लस वन। अब इस पे जे वन ऊपर जाना है तो जे वन ऊपर गया तो ये देखिए ये जीरो हो जा रहा है, इसी तरह से यहां भी एक जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन हो गई, ये देखिए ध्यान से इस तरह से आप पोल जीरो प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यस इक्वल टू जीरो कर दें तो ये कांस्टेंट डीसी टर्म आता है, समझे, वो कांस्टेंट डीसी टर्म आता है। तो आइए जैसे मान लीजिए ये आपको समझ में आ गया होगा पोल जीरो कैसे प्लॉट करते हैं, पोल जीरो प्लॉट कैसे करते हैं आप देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको ऑलरेडी ये ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है, तो ट्रांसफर फंक्शन को जनरल कैसे लिखा जाएगा देखिए मैं बता रहा हूं। ट्रांसफर फंक्शन को आप मान लीजिए के और लिखिए यस प्लस ए एंड यस प्लस बी एंड यस स्क्वायर माइनस सी डिवाइड बाय कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यस प्लस डी और ये यस प्लस एफ और यस स्क्वायर माइनस जी, ठीक है, इस तरह कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें जो के है इसको बोलते हैं डीसी गेन, क्या बोलते हैं के को बोलते हैं डीसी गेन, डीसी गेन, डीसी गेन का मीनिंग ये है कि यस इक्वल टू जीरो पे जो आपका ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको ये डीसी गेन बोलते हैं।
s इक्वल टू जीरो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं, जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब कौन सी, डीसी, ठीक है। तो डीसी टर्म हमें कैलकुलेट करना होता है, डीसी गेन। तो कोई भी जैसे क्वेश्चन एक है, हल्का से आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन की वैल्यू मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको हल्का सा डेमो दे सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था, एक यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पोल था या जीरोज था, यहाँ पे जीरोज था, और एक यहाँ पे एक इस तरह से रिपीटेड पोल थे, ठीक है। और ये वैल्यू प्लस जे थ्री थी, ये वैल्यू माइनस जे थ्री थी, क्लियर। और ये वैल्यू आपका ये था, ये वैल्यू था माइनस टू, और ये वैल्यू था माइनस फोर, इस तरह से कुछ था। आप ध्यान दीजिएगा मेरे, आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। कह रहा है, और इसमें क्वेश्चन में दिया था, एक क्वेश्चन देखो इसी तरह था, इसमें कुछ और है, हो सकता है यहाँ भी एक पोल वोल रहा हो, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, कोई भी रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब इसका हमें कह रहा है कि इसका आपका ये ट्रांसफर फंक्शन या इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करिए, तो आपको जेडस निकालना पड़ेगा, तो जेडस को पहले जनरलाइज लिखना पड़ेगा। तो जेडस को जनरलाइज लिखोगे तो जेडस इक्वल टू ये लिखोगे के, फिर लिखोगे यस प्लस ए। देखो पोल कोई है, हाँ एक जीरो है, तो यस प्लस क्या लिखोगे, फोर, ए लिख दिया हमने, डिवाइड बाई, फिर लिखोगे ये देखो यहाँ पे दो जीरोज है, ठीक है। ये देखिए दो आपके पास वो है पोल्स हैं, तो इनको ऐसे लिख सकते हो, बताओ कैसे लिख सकते हो, यस और इसके स्क्वायर, यस प्लस जे थ्री, और लिख सकते हो यस माइनस जे थ्री, यही तो है, ये देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना लोगे। अब देखो हमें इसको पूरा निकालने के लिए, के की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो ऑलरेडी दिए थे क्वेश्चन में, दिया था कि जेड जीरो इक्वल टू थ्री दिया था, ये दिया था, ये केवल के की वैल्यू के लिए ही, कैलकुलेट करने के लिए दिया था। तो यहां से पुट कर दीजिए के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जेड जीरो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा के, और ये हो जाएगा जीरो प्लस फोर डिवाइड बाई ये जीरो प्लस ये हो जाएगा जे थ्री, और ये डिवाइड बाई जीरो माइनस जे थ्री आ जाएगा, क्लियर। तो आप यहां से पुट करिए तो ये वैल्यू थ्री दिया है, ये वैल्यू के है, और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा फोर, और ये जे स्क्वायर तो क्या माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा नाइन, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, के की वैल्यू हो जाएगी नाइन मल्टीप्लाई थ्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फोर। तो ये के की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 27 बाई फोर, ठीक है, ब्रैकेट में यस प्लस फोर, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास यस स्क्वायर, यस स्क्वायर और प्लस आपका थ्री, यस स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये फाइनल आपका